मेरा नाम है हेमंत सेन, मैं सिनेवर्ल्ड पे ब्रजवासी के नाम से ठेला लगाता हूँ। मेरे ठेले पे इसने एक साल पहले भी वीडियो बनाया था और फिर उसने मेरे को ब्लैकमेल करा। मैंने उस समय दे भी दिए, मैंने चलो कोई बात नहीं, हो जाए, बच्चों गरीबों के नाम से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसने फिर मेरा आज से 3 महीने पहले फिर मेरा वीडियो बनाया, फिर मेरे को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। मेरे भाई जो छोरा काम करता है वो 17 साल का छोरा है और उसका वीडियो बनाया था, तो मेरे को ब्लैकमेल बोले 18 साल का आदमी काम करता है। तो मैंने बोला 15 साल तक का उम्र मेरे पास छोरा नहीं है काम पे, ये 17 साल का छोरा था, उस समय ही वीडियो बनाया था इसने। फिर इसने मेरे को ब्लैकमेल करना चालू करा, बोले मेरे को पैसे चाहिए। मेरे से पहले इसने 1 लाख रुपये मांग करी, 1 लाख रुपये मैंने मना कर दिया, मैंने पैसे नहीं दूंगा, मैं 1 रुपये भी, मैंने मेरी जो मेरी इच्छा होगी मैं अपना करूँगी, कहने से कुछ नहीं करूँगा। फिर मेरे को इसने धमकी देना चालू कर दी, फिर मैंने इसकी कोई बात नहीं मानी तो इसने मेरी जगह पर ठेला खड़ा करवा दिया किसी और का। फिर इसने लड़ाई झगड़े पर आ गई, हमारे को 151 में इन्होंने बंद करवा दिया। क्या चाहते हो? चाहते कुछ नहीं सर, देर में आए दिन ये परेशान करता है हमारे को, हमारे लेबर को धमकाता है। नहीं, निगम ने अपलोड किया हुआ इसको, वो विंडर जॉइन के अंदर कहलाता है ठेला, नॉन वेंडिंग में नहीं है, वेंडिंग जॉइन में। हाँ वेंडिंग जोन में है ना, मतलब अभी बोर्ड लग गया निगम का वहाँ पे। मैं जहाँ लगाता हूँ उसी जगह पे वहाँ से मेरा हटा के उन्होंने खुद का लगा लिया। इस बात को समझ, आज लोग इस भीड़ का जो आक्रोशित होकर के यहाँ पे जो एकत्रित हुई है उसका मूल कारण है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक आशीष सोनी करके कथित एनजीओ बताता है, कभी आप लोगों का पत्रकार होने का भी दावा करता है और कभी समाज सेवक बताता है। वो चौथ वसूली जो नहीं करता है उसके ठेले हटवा देता है। इसका प्रत्यक्ष में प्रमाण कल की तारीख में हुआ है कि सिर्फ नगर निगम के दस्ते ने एक ठेले को हटाया है, जबकि यदि मान लो झगड़ा होता है तो दोनों ठेलों का हटना चाहिए। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई दो ठेले क्यों नहीं हटे, हटे तो जब सबके हटे, एक ठेले को हटाने के कौन सा कानून कहता है? इसका मतलब साफ जाहिर है कि नगर निगम के और आशीष सोनी के साठगांठ है और भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त है। वहां के अधिकारियों का जवाब था कि आप तो पकौड़े खाओ, जाओ सो जाओ। जब मैंने न्यायिक, मैं संयोजक सीएलजी भी हूँ, मेरा काम है वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का। मैंने जब शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्रयास किया तो आशीष सोनी ने 6-8 को जो हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला करवाया था उसके बाद में उसने FIR दर्ज कराई, उसमें बलवान लाल सर का कहीं पे नाम नहीं था। और कल जो यहाँ पे वो कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया उसका एक ही मकसद है प्रदर्शन कराने का कि वो अपने कारनामों को छिपाने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव डाल रहा था। और उस दबाव डालने के लिए उसने कल हाय हाय के नारे लगाए, जितनी भी पब्लिक थी वो किराए की थी और उनको ये दबाने के लिए उस क्षेत्र की जनता कोई भी नहीं थी। आज हम लोग ये पब्लिक हमारे साथ में, ये पूरी पब्लिक वहाँ के ठेलेवासियों की है। हम लोग जो वहाँ पे आसपास में दुकानदार है जिन्होंने उस माहौल को देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है कि भाई ये घटना कैसे घटी थी, इसलिए आम आदमी का दायित्व बनता है कि अन्याय क्यों हो रहा है, एक ही ठेले के ऊपर आक्रमण क्यों हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं एक तो आशीष सोनी की जाँच हो, वो एनजीओ हैक नहीं है, रजिस्टर्ड हैक नहीं है, उसने आज दिन तक कितने पैसे वसूल किए हैं और कितने उसने दान में दिए हैं उसका रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। पहली बात आपकी आपस में नाम बताओ आप। मेरा नाम तो भाई, एक मिनट और कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। और एक नगर निगम जो कर्मचारी अधिकारी जो वहां पे गए थे वो किसके आदेश से गए थे, एक ही ठेला हटाने का कौन सा नियम आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नगर निगम कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे साफ जाहिर है कि आशीष सोनी ने यहाँ कंप्लेंट करी, तो प्रदर्शन किया, तो वो प्रदर्शन करने के बाद में वो ठेला उठा, इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन और दोनों ने मिले हुए। नाम आपका? बनवारलाल शर्मा, अध्यक्ष हरिभा उपाध्याय नगर मुख्य विकास समिति, ठेला यूनियन का अध्यक्ष हो, तीसरी बार संयोजक सीएलजी हो, क्योंकि मेरा शांति व्यवस्था